ये आप ड्राइवर देख सकते हैं फोन पे बात कर रहा है और किस तरह से ड्राइविंग कर रहा है। और हरियाणा रोडवेज की ये बस है और स्टंडी गांव से आज जो है करनाल के जिला सचिवालय में तमाम लोग पहुंचे हैं और इनके द्वारा ये बताया जाएगा कि क्या कुछ समस्या और महिलाओं को भी समस्या है। जी ताऊ, क्या कुछ महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? महिलाओं को तो बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। अगर कोई महिला उसका गांव आ गया है, बस स्टैंड आ गया, तो उसके ऊपर बस रुकवाने के लिए बोलते हैं तो बदतमीजी से पेश आता है ये ड्राइवर, जो इसमें आपको अभी दिखाया है वीडियो में, तो उसमें बहुत बदतमीजी से, भाई तुम यहाँ घंटा रखवा ले, फलाना कर ले, मतलब ये मौके पे माताओं बहनों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया उसने और ऐसी लैंग्वेज यूज करी, वो बात हम आपको बोल नहीं सकते। मतलब बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करे हमारी जो माताएं, हमारी चाची, हम बोल भी नहीं सकते वो भाषाएं इतनी उम्र की। और अभी किससे मिलकर आए? अभी हम एडीसी मैडम से मिले हैं, जीएमसी मैडम से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये बंदा जो ड्राइवर है, चालक विनोद कुमार, ये करनाल से मुणक रूट पे चलता है और इसका जो रवैया है ये बहुत बेकार है। ये ड्राइविंग करते टाइम भी आपने देखा होगा वीडियो में, ये ड्राइविंग करते टाइम भी मोबाइल कानों पे लगा रहता है इसके, और ड्राइविंग करता है 50 आदमियों की जान जोखिम में डाल के, अपनी पर्सनल बातें, इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, पर्सनल बातें करता है ये ड्राइविंग करते टाइम भी। 50 सवारियां बैठी हैं, आप रोज देख रहे हो, इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, इतने बड़े हादसे हो रहे हैं एक ड्राइवर की ऐसी कमी की वजह से। जो ड्राइविंग करते टाइम अगर फोन पे बात करेगा तो 50 सवारियों की जान जोखिम में है। तो हम चाहते हैं इसके मामले में भी पब्लिक भी जागरूक हो कि ड्राइवर को अगर कोई फोन पे बात करे उसको टोके, भी आप साइड में बस लगाइए और फिर बात कीजिए। लेकिन अगर इसको रोकते हैं कि भाई आप बात मत करो फोन पे और ड्राइविंग करो, ये गाड़ी गलौज करता है। ये बहुत हम स्टोंडी गांव से आए हैं, स्टोंडी गांव के निवासी है हमारे, ये दक्षिणा से हैं सरपंच। कौन से रूट की है, कौन सी बस? करनाल से मुणक रूट, हरियाणा रोड। क्या दिक्कत आ रही है? तो आप देख सकते हैं स्टोंडी गांव से जो है तमाम लोग यहां पर पहुंचे और महिलाएं भी यहां पे पहुंची हैं, उनसे भी जरूर बातचीत जरूर करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए महिलाओं से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लड़कियां भी जाती है कॉलेज में। मैम, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप बस में जाते हो? तो बस में जाते हैं जी, वो ड्राइवर गलत बोलता है जी हमसे। कौन सा ड्राइवर? वहाँ का जी, वो एवन, ये गांव है पास में धर्मगढ़ का जी। आपका गांव कौन सा है? स्टोंडी है जी। स्टोंडी से आए हो आप अभी? तो अभी किससे मिले हो यहाँ पर? अधिकारी डीसी से मिल के आए हो क्या? तो क्या हुआ, मतलब डीसी ने बोल दिया कार्रवाई करें? नहीं, गाँव में क्या समस्या आई हुई है जो मतलब यहाँ पर पहुंचे हो आज? बस यही है जी, गलत बोलता है ड्राइवर, गलत बोलता है हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर है। समस्या तो मैम ये है, जो मेरे गांव में बस आती है, पहले बहुत संख्या कम है उनकी, और संख्या कम होने की वजह से जितनी भी बसें आती हैं वो ओवरफ्लो हो के आती है पहले पीछे से ही, ठीक मैडम, और जिसकी वजह से जितने भी परिचालक या जो भी कोई है परेशान हो जाते हैं बसों की संख्या कम होने के कारण। और फिर आगे जो मेरे गांव की या अदर गांव के बच्चे हैं या बुजुर्ग है जो भी है करनाल आने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उन लोगों को सीट ना मिलने की वजह से और ड्राइवर उनको बस ना रोकने की वजह से आगे लेके चला जाता है। बस को लगभग डेढ़ किलोमीटर या आधा किलोमीटर आगे जाके रोकता है बसों को, और बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्या कुछ परेशानी होती है, जैसे कि आप बता रहे हो कि बदतमीजी करता है कंडक्टर और ड्राइवर आपके साथ? हमने कहा जी एक स्टैंड आ गया, दूसरे में बस रोक दिए भैया। हाँ, और बोले यहाँ नहीं रुके कि बस वहाँ ही रोक दी बीच में रोकने के बाद में बोले बच्चा यू क्या करे रे, तनिया बस क्यों रोकी, हम बीच में कहाँ उतरे, मुको तेरे बाप की बस है घंटा रोकू। कौन बोलता है, ड्राइवर या कंडक्टर? ड्राइवर क्या रोकू घंटा रोकू, मैं बोल रही तू ऐसे कैसे बोले, तेरा माँ बाण दी नुका काले मुंह आनी कमीनी मेरे तक। अच्छा, बदतमीजी करता है, गालियां भी देता है, देता है कमीनी। तो अब आप एडीसी मैम से मिलकर आए हो? कौन सी था? हाँ, ऊपर। क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कह रहे हैं मैम? मैडम नुकारी जांच कर मैं बता दूंगी।